को हार्दिक साधुवाद देता हूं और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जो आप आगे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं कल स्वप्न से जागा तो मैं सोच रहा था, एक एक नींद टूटी, मैं एक घंटे तक ये समझ सोच नहीं पाया कि जो आजकल कुछ हम देख रहे हैं ये सपना है या किसी मूवी का थिएटर है, कोई फिल्म देख रहे हैं या फिर वास्तव में हम हिमाचल प्रदेश में जी रहे हैं। या तो ये यूपी बिहार में होता था या फिर ये फिल्मों में होता था, लेकिन देवभूमि में ऐसा कलंकित पाप करने का, दुराचार करने का जिन भेड़ियों ने, पापियों ने प्रयास किया है उनको कहां तो सरकार फांसी के फंदे तक ले जाती। सरकार उल्टा फांसी के फंदे से बचाने का प्रयास करते हुए निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रही है। ये भाई और बहनों, एक महीना डेढ़ महीना पहले 23 साल का फॉरेस्ट का गार्ड जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आए हुए अभी 6 महीने हुए थे, वो जंगलों में जाकर के इस सरकार के साथ मिले हुए वन काटिए, वन माफिए जब उनकी पोल खोलने लगा और हजारों स्लीपर, हजारों पेड़ जब बरामद किए, उसकी डायरी मेंटेन करके अपने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट करता है, तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने और वन माफियों ने मारकर उल्टा लटका दिया पेड़ में और कहा यह आत्महत्या का मामला है। आप ये बताओ, 23 साल का युवक, अब मैं उसकी परिवार की दास्तान आपको बताता हूं। जब वो 6 महीने का था तो मां मर गई, जब वो साल का हुआ तो बाप मर गया, बूढ़ी दादी ने लोगों के घर में बर्तन मांज कर लोगों के पशुओं की रखवाली करके उसको पाला। और इस सिफारिशी तंत्र में वो कितना इंटेलिजेंट लड़का होगा जिसका मां नहीं बाप ने उसकी सिफारिश कहां से होती, वो मेरिट के आधार पर चुनके वन रक्षक भर्ती हुआ। बूढ़ी दादी ने सोचा कि जवानी में मैंने जो मेहनत की है अब बुढ़ापे में मेरा बेटा, मेरी बहू तो रह गई, ये पोता जो होशियार सिंह था वाकई होशियार निकला, मेरे बुढ़ापे में मेरी अर्थी को एक कंधा देगा। सोचो उस बुढ़िया के जीवन के बारे में। और जब वो सच्चाई से वन रक्षा करता है तो ये सरकार में मिले हुए लोग उसको मार करके पेड़ पे उल्टा लटकाते हैं। आप ये बताइए, जिसने जहर खाना है क्या वो पेड़ में चढ़ के जहर खाएगा फिर वो उल्टा लटक जाएगा? उस मामले में कोई गिरफ्तारी, कोई जांच नहीं हुई। इस सरकार में मिले हुए भ्रष्टाचारी लोग, वन माफिया, वन माफियों के संरक्षक, आज होशियार सिंह की दादी तरफ रही है कि उसकी अर्थी को कौन कंधा देगा। अभी उस घटना को घटे हुए महीना नहीं हुआ था, 4 जुलाई के दिन को एक लड़की अपने घर की तरफ चलती है, उसको अगवा कर लिया जाता है, 6 तारीख को उसकी लाश मिलती है और पता चलता है पोस्टमार्टम में कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। पुलिस जांच आरंभ करती है, मुख्यमंत्री अपनी फेसबुक के ऊपर 6 लोगों के फोटो अपलोड करते हैं, ये है हथियारे, ये है बलात्कारी। कोई आम आदमी नहीं करता, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह करता है। और सूचना मिलती है कि 6 के 6 लोगों को घर से उठा के पुलिस जांच में लाई है। ये बीच में क्या हो जाता है, ये बीच में किसके बीच में सिट्टी बिट्टी हुई कि वो 6 लोग रातों रात बाहर कर दिए गए और 2 गढ़वाली, 2 नेपाली और 1 मंडी का और 1 जो यहां का स्थानीय है उसको अप्रूवर बना करके 5 बाहर के लोगों को एक कातिल और हथियारों और बलात्कारियों के रूप में समाज के सामने पेश किया जाता है। समाज को यह बात गले नहीं करती, समाज सड़कों पर उतरता है, सीबीआई की जांच होती है, सीबीआई को प्रोब दिया जाता है, इंक्वायरी का ऑर्डर दिया जाता है। समाज विश्वास कैसे करेगा राजा साहब, आपकी आईडी कौन चलाता है? आप चलाते हो तो यदि वो 6 हथियारे नहीं थे तो उनको हथियारों के रूप में समाज के सामने पेश करने का काम भी आपने किया। यदि वो हथियारे हैं तो उनको बचाने का काम कौन कर रहा है? समाज को आंदोलित उद्वेलित करने का काम आपकी फेसबुक आईडी ने किया है। और आपसे जब पूछा जाता है कि फेसबुक आईडी पे आपने फोटो डाली,
आजकल हर कोई अपलोड कर देता है। आपकी आईडी से कोई हर कोई अपलोड करता है क्या? अगर मुख्यमंत्री की आईडी का ही हालत है कि आपकी आईडी से हर कुछ पोस्ट हो जाता है, तो वीरभद्र साहब आपके घर की क्या गारंटी है कि शाम को दाल भात कौन चाट जाता है? पता है कि आपकी रसोई में जो दाल भात शाम को बनता कौन चाट के चला जाता है? प्रदेश का मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देता है और बाद में बयान देता है, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती है। क्या माताएं बैठी हुई है, 16 साल तक पहले 10 मिनट किसी बच्चे को गर्भ में रखो, फिर उसको 16 साल पढ़ाओ लिखाओ। यह सरकारें इसीलिए चुनी गई है कि 16 साल की बच्ची को उठाओ, रेप करो और मार दो, उसके बाद पुलिस का प्रशासन को बचाने में लग जाए और चीफ मिनिस्टर ये कहे ये छोटी मोटी घटना है। ये घटना छोटी है राजा साहब। फिर कहते हो सीबीआई कौन सी खुदा है? सीबीआई तो खुदा नहीं है, आप खुदा हुए, आप खुदा हुए, आप दे दो न्याय। अरे वीरभद्र सिंह जी, सड़कों में जंगलों में हत्या हत्यारे रेप होते हैं, लेकिन थाने के अंदर आप सब अखबार की कटिंग निकाल करके पढ़ना, सूरज नाम का नेपाली पहले दिन बयान देता है, साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कह रहा था मत मारो, मारने वाले ये हैं, मारने वाले ये। एक मिनट, रुक जाओ, कितना गाड़ी? 5 मिनट, हम सेना के जवानों का सम्मान करते हैं, 5 मिनट बाद आपको पूरा ट्रैफिक रास्ता देंगे, 5 मिनट आप रुक जाइए, मुझे अपनी बात पूरी करने दें। और जो सच बोलता है वो सूरज, जिसका लग रहा था कि अंधेरे में सूरज ये उजाला बचा है, कहीं वो रईस जादो के नाम सीबीआई को न बता दे, कहीं वो ये न बता दे कि साहब हमको तो पुलिस वालों ने ही बोला था तुमको छुड़ा देंगे, सिर्फ कुछ दिन अंदर रहो। साहब इसमें तो पुलिस भी मिला हुआ है, पॉलिटिशियन भी मिला हुआ है, कहीं वो सीबीआई को ये वो सूरज न बोल दे, इस अंधकार में कहीं उजाला ना आ जाए, रईस जादे जेल में न चले जाए, इसलिए ये राज्य प्रायोजित हत्या सूरज की कर दी गई।